गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे बैक में जो आपको पीला रंग का बिल्डिंग दिख रहा है, ये वो स्कूल है जहां मैं उसके बगल में रहता हूं, शिशु मंदिर स्कूल। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी सुबह सुबह मैं उठ कैसे गया और कारण क्या है। तो ये ब्लॉग बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि चूँकि ये पूरा महीना चुनाव का समय चल रहा है, हम सभी जनता मिलकर भागीदार बनते हैं और एक सरकार चुनते हैं। सरकार ऐसी जो सशक्त हो और अपने फैसले खुद ले सके। तो इसी कड़ी में आज मैं ब्लॉग बना रहा हूं और मेरा जो संसदीय क्षेत्र जो है उसमें मतदान का जो एरिया है वो हमारा यही स्कूल पीछे में आपको दिख रहा है, यही है। चलिए मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। देखिए यही परिदृश्य है, यही मेरा चुनाव का क्षेत्र है। यहाँ मैं जाऊंगा और यहीं पे मैं वोट डालूंगा। आप देख सकते हैं मतदान कर्मी को लेकर आई हुई बस। देखिए ये टाटा मोटर्स की बस भी है और ये है हमारा गेट, यहाँ से हम घुसेंगे मतदान देने के लिए और यहाँ से घुसते हुए अंदर जाकर मतदान करके आए। तो ये सब कुछ बस आज के ब्लॉग में क्या है कि वोट जरूर देने जाएं, प्रत्येक व्यक्ति वोट दें। वोट देने के कई फायदे भी होते हैं। पहला फायदा होगा कि यह निशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, चलिए तो फ्री हो गया। दूसरा कि आप वोट दीजिएगा और सोच समझ के अगर वोट दीजिएगा तो आपको एक सही सरकार मिलेगी जो देश को चला सके और फैसले ले सके, फैसले लेने की उसमें काबिलियत है। तीसरा फायदा ये है कि आपकी अपनी जो तरीके हैं, आपकी अपनी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकेंगी। हालांकि नेताओं की बातों पे भरोसा तो नहीं रहता है, पर आप सोचिए कि हो सकता है कि आपका वो भरोसा कायम रहेगा अगर अच्छी सरकार आप चुनते हैं और अच्छे सांसद चुनते हैं। चौथा कि आप अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सांसद से मिलकर उनसे परिचर्चा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, तो वो पार्लियामेंट हाउस में जाकर आपकी बातों को उठाएंगे, आपके प्रश्न को रखेंगे पटल पर ताकि लोग समझ सकें। इस तरह से अनेक फायदे हैं और इन फायदों का आप जमकर लुत्फ उठाइए क्योंकि ये महापर्व है, एक प्रकार का पर्व ही है, महापर्व है चुनाव का। और इसमें आप भागीदार बने और जितना आप भागीदार बनिएगा आप उतना ही देश को आगे बढ़ाइएगा। तो फिर मिलते हैं आपको जब हम लोग चुनाव दे देंगे, क्योंकि चुनाव के समय में वहाँ ब्लॉग बनाने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए आप लोग से कोशिश करता हूँ कि अभी कॉन्टैक्ट कर लूँ, आप लोग से अभी मिल लूँ, बाद में भगवान जाने। तो चलिए आप लोग भी वोट देने जरूर जाइए। जिनका वोट हो चुका है कोई बात नहीं, और जिनका नहीं हुआ है वो अभी भी समय है, वोट जरूर देने जाएं। आप एक सही सरकार चुने ये आपके हाथ में है, और लोगों को इम्प्रेस कीजिए, लोगों को बताइए कि वोट देना क्यों ज़रूरी होता है। इसलिए शर्माने की बात नहीं है, शर्माएंगे तो फिर यूं ही सब चला जाएगा हाथ से, शर्माइए मत। चलिए वोट जरूर देने जाइए, बाय। मतदान का काम संपन्न हुआ दोस्तों, ये रहा अपना निशान, तो हम लोगों ने वोट दे दिया भाई। अब मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग में।